बैजनाथ व भरमौर की दूरी जो वाया चंबा लगभग 300 किलोमीटर पति है घटकर 110 किलोमीटर रह जाएगी। इससे मणिमहेश जल झील में स्नान करने के समय पर पंजाब हरियाणा और हिमाचल के लोगों को इस मार्ग से जाने पर बहुत ही सुंदर स्थान देखने का मौका मिलेगा और लोग आनंद भी लेंगे। इलाके की विकास की दृष्टि से भी यह मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी इलाके का विकास करना हो तो वहां पर कोई उद्योग लगाना चाहिए। यहां पर तो लगाया उद्योग है, बस एक छो सड़क का निर्माण करना है जिसकी शेष बची लंबाई सिर्फ 40 किलोमीटर रह गई है। यदि इस सड़क की कटाई ही की जाए तो लगभग 18 करोड़ खर्च आएगा। तो हाल में सरकार ने इस सड़क के 13 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, परंतु उस राशि को पहले से बनी सड़क विनवानगर से 13 किलोमीटर की दूरी तक खर्च करना प्रस्तावित है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि पहले से बनी बनाई सड़क पर लीपापोती करने में बार बार खर्च करना न तो जनता के हित में है और न ही सरकार के हित में है। दूसरी बात है कि जो उतराड़ा से होली तक के लिए जो कनेक्टिविटी है, अगर नई बढ़िया है बीच उतराड़ा होली की जो दो धारों को ये कनेक्ट करने वाली जो बात की जा रही है, कनेक्टिविटी का जो इशू है, अगर नई सड़क नहीं बनाएंगे तो ये कनेक्टिविटी होगी कैसे। और बड़ी एक सोचने वाली बात है कि चिंतन समिति जब मौका पे जाके आ रही है, हम तो लोकल भी हैं, हमें पता है कि जहाँ पे बस्ती है ही नहीं वहाँ पे आप बस चला के क्या करेंगे। अगर ये कनेक्टिविटी बनेगी ही नहीं, लोगों के जो सामाजिक भावनात्मक जो रिश्ते दोनों धारों के बीच में जुड़े हुए हैं, उनमें अगर इस रोड को नई कंस्ट्रक्शन के माध्यम से जोड़ा ही नहीं जाएगा तो ये कनेक्टिविटी तो बनेगी नहीं और ना ही कोई औचित्य इस पैसे को बनाने का बनता है। अगर चार लोग इकट्ठे होके कोई योजना अपने फायदे के लिए और ठेकेदारों के फायदे के लिए अगर ये बनाई जा रही है तो चिंतन समिति इसका कड़ा विरोध करती है। और साथ में ही जैसा हमने चेताया भी है कि जनता के पैसे को हम लोग दुरुपयोग नहीं, आपो अभियान के लिए बनी बनाई सड़क में पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं, उसको हम चिंतन समिति के माध्यम से नहीं होने देंगे। और अगर आप लोग इस अपने अड़ियल रवैये पे अड़े रहे, भतडेलू से आगे आपने काम नहीं शुरू किया तो हमें हाई कोर्ट का रास्ता भी अपनाना। मैं धर्मचंद मक्कड़, मेरे साथ धर्मचंद मक्कड़ उतराड़ा होड़ी सड़क चिंतन समिति का अध्यक्ष, मेरे साथ समिति के महामंत्री राज कपूर जी, उपाध्यक्ष महेंद्र जी, सदस्य मिलाप जी और जमीत जी। हमारी ये जो संगठन है समिति, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की, क्योंकि हमारी बरसों से एक यहाँ बैजनाथ और भरमौर की जनता की मांग है कि एक उतराड़ा होली सड़क का निर्माण की प्रावधान किया गया, जो कि सरासर गलत है। समिति का मांग करती है कि उस धन राशि को उस पहले से बनी सड़क पर लीपापोती करने हेतु खर्च ना किए जाए और उसको आगे की भतरेलू नामक स्थान से आगे की नई सड़क बनाने की पर खर्च की। बैजनाथ से आपका फैसला टीवी के लिए शिव सूद की रिपोर्ट।